नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा भय की व्याप्ति जो पूरा देश भयभीत अवस्था में है, यद्यपि लॉकडाउन के प्रोसेस का इस्तेमाल हम सुंदर तरीके से करते आ रहे हैं। जो गलतियां अमेरिका, इटली जैसे विकसित देशों ने करी है, हम वो गलती नहीं कर रहे हैं। मित्रों, ग्रहों की चाल, सितारों की व्यवस्था, ग्रह गोचर की संकल्पना, भारतीय वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कुछ इसके सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं। मैं आपको ऐसे ही यूं ही आपकी सांत्वना के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ हूं। कुछ रीज़न है, अर्थात मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की तिथि आपको विदित है कि 25 मार्च के उस नियत तिथि जो हमारे भारतीय संस्कृति के सापेक्ष 9 वर्ष कुंडली के आगमन की प्रतीकात्मक उस व्यवस्था में कर्क लग्न की कुंडली की प्राप्ति हुई। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आपको कैलकुलेशन के तहत आपको जानकारी होगी कि ग्रहों की चाल, जो ग्रहों की व्यवस्थाएं हैं, वो कैसे हम सबों को मोटिवेट करती हैं। क्रमशः मैं 4 से 5 टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा, आपको समझने में सुविधा होगी। अर्थात 9 वर्ष कुंडली के सापेक्ष जहां बुधवार की तिथि थी, इसका तात्पर्य है कि इस वर्ष कुंडली में राजा के रूप में बुध की वरीयता के रूप में वह फिक्स हो चुके थे। इसका तात्पर्य यही है कि इस वर्ष कुंडली में राजा जहां बुध है, वहां मंत्री के रूप में चंद्रमा है। इसके पुराने अर्थात 2019 के वर्ष कुंडली के सापेक्ष मंत्री के रूप में सूर्य थे, वही राजा के रूप में शनि विराजमान थे। मित्रों, आप ध्यान देंगे, वर्ष कुंडली कर्क लग्न के सापेक्ष जहां राजा बुध की जो भावगत स्थिति थी, वह मृत्यु भाव कुंभ राशि में विराजमान थे, वहीं मंत्री के रूप में चंद्रमा और सूर्य की युति मीन राशि भाग्य भाव में विराजमान थे। जहां मैं इसके पहले के एपिसोड में हमने व्याख्यात किया है कि 14 अप्रैल से ग्रहों के राजा सूर्य अपने उच्च की राशि में आ जाएंगे। इसके पहले मैं बता चुका हूं, जब जब मित्रों सूर्य ग्रहण की तिथि आती है, इसका तात्पर्य सीधा सा है, आत्मा का कारक सूर्य और प्रकाशवान ऊर्जा का कारक सूर्य, जब सूर्य पीड़ित होते हैं तो समस्या आती है, धर्म की हानि होती है, अधर्म की व्यवस्था में बढ़ोतरी होने लगती है, पाप का अभ्युदय होने लगता है, आपदा का आगमन होने लगता है। जहां जीव के रूप में बृहस्पति हैं, बृहस्पति को माना गया है, वहीं आत्मा के रूप में सूर्य हैं। जब जीवात्मा के रूप में सूर्य बृहस्पति और मन की कारकत्व व्यवस्था को संचालित करने वाले चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य क्रमशः जब पीड़ित हुए हैं सौर मंडल की उस गोचरी व्यवस्था में, तब तब समस्या आई है। यह समस्या सूर्य ग्रहण के आगामी 6 महीने तक पाई जाती है। मित्रों, आप ध्यान देंगे, जहां छब्बीस नवंबर 2019 की सूर्य ग्रहण की तिथि में जहां सूर्य पीड़ित थे, वहीं 14 अप्रैल से वही सूर्य अपने अग्रसरित मोड में आएंगे, उच्चगत राशि में विराजमान होंगे, पावरफुल मोड में रहेंगे। वहीं जहां सूर्य का एक लक्षण है, वह 1 डिग्री को रिवॉल्व 1 दिन में करते हैं, 24 घंटे में करते हैं। जब वह 10 डिग्री तक उनकी प्राप्ति होगी गोचरी व्यवस्था में, 14 अप्रैल से क्रमशः 1 डिग्री को बढ़ाते हुए जब पूर्ण युवावस्था में एंट्री कर जाएंगे, 25 अप्रैल तक वह बहुत ही पावरफुल मोड में अपने स्वयं को प्राप्त कर चुके होंगे। सूर्य की दिशा जहां पूर्व दिशा को इंडिकेट करते हैं, जब पूर्ण युवावस्था में 25 अप्रैल तक सूर्य अपने अग्रसरित पोजीशन में आएंगे, वहीं भारत के पूर्वी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों में सफलता के रूप में इस कोरोना के संकट से आप उभरते हुए पाएंगे। जहां विश्व के परिदृश्य के सापेक्ष बात करें, तो जो पूर्वी देश है, अर्थात आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, वहां समस्या का समाधान स्वयं में होता हुआ प्रतीत होगा। मित्रों, मैंने बताया कि इस वर्ष कुंडली 2077 के संबत वर्ष कुंडली के जो राजा हैं, वह मृत्यु भाव में है, वर्तमान समय में वह नीचगत राशि में है, अर्थात भाग्य भाव की मीन राशि जो कर्क लग्न की प्राप्ति हुई, उस वर्ष कुंडली के तहत मीन राशि भाग्य भाव में पीड़ाकारी पोजीशन में या 24 अप्रैल तक बुध नीचगत पोजीशन में रहेंगे।
जहां 25 अप्रैल तक सूर्य अपने उच्च की राशि में पूर्ण युवावस्था में 10 डिग्री के रहेंगे, वहीं 25 अप्रैल को बुध सूर्य से युतिबद्ध हो जाएंगे, बुधातिथि योग का निर्माण कराएंगे और अपने नीच की राशि को छोड़ते हुए अगले राशि मंगल की मेष राशि में सूर्य से कंबाइंड हो जाएंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जहां पूर्वी राज्यों और देश के विदेश के सापेक्ष पूर्वी देशों को जहां सूर्य रिलीफ प्रदान करेंगे, वहीं मैंने पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जब तक मंगल और शनि की गोचरी व्यवस्था में दूरी नहीं बढ़ेगी यह समस्या बनी रहेगी। ध्यान देंगे, वर्तमान गोचर में जहां शनि अपने स्वयं की मकर राशि में विराजमान है, वहीं मंगल भी उच्चगत राशि अर्थात मकर राशि में शनि सहसंबंध स्थिति में विराजमान है। तात्पर्य यही है कि 4 मई तक आपको इंतजार करना है, जब मंगल अपने इस मकर राशि को उच्च की राशि को छोड़ते हुए अगले शनि की कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे, समस्या स्वयंमेव समाप्त होती हुई नजर आएगी। तात्पर्य यही है कि जो संक्रमण का रेट है, इस रेट में कमी तो वैसे भी 14 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी, आप इसे फील करेंगे। जो रेट है, जो संक्रमण का जो रेट है अर्थात कोरोना का जो रोग है, यह समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन जो रेट है परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो 14 अप्रैल से 25 अप्रैल के अंतराल में बहुत सारी ऐसी समस्या का समाधान आप खुद ब खुद आप उसे चिन्हित कर सकते हैं। मित्रों, जब तक मंगल शनि की दूरी नहीं बढ़ेगी अर्थात उस 5 मई तक का इंतजार करना है। तात्पर्य यही है, जहां शनि का डायरेक्शन पश्चिम है, वहां मंगल का डायरेक्शन दक्षिण है। इसका तात्पर्य यही है कि भारत देश के सापेक्ष जो दक्षिणी राज्य हैं, जो पश्चिम में स्थित राज्य हैं, या दक्षिण पश्चिम के जो कोण में स्थित राज्य है अर्थात केरला की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ समस्या क्रमशः 4 मई अथवा 5 मई तक बनी रहेगी। जहाँ लॉकडाउन की प्रोसेस की बात भी करते हैं तो मैंने बताया है कि जिस मुहूर्त काल में हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो व्याख्यायित किया था, जनता को संबोधित किया था, वह तुला लग्न का मुहूर्त काल था अर्थात तुला लग्न की कुंडली थी। वहां चंद्रमा दशम राज्य कर्म भाव अधिपति, जब तक मंगल चंद्रमा के नक्षत्र का विराजमान रहेगा अर्थात श्रवण नक्षत्र का, जो 24 अप्रैल तक रहेगा गोचर में, 29 अप्रैल से 5 मई तक के अंतराल तक हमें इंतजार करना होगा। जब तक मंगल मकर राशि में विराजमान रहेगा, शनि से उसकी दूरी नहीं बढ़ेगी, तब तक लॉकडाउन का प्रोसेस अर्थात 29 अप्रैल से 5 मई तक के समय का हम सबों को इंतजार करना पड़ेगा। मित्रों, जहां शनि का डायरेक्शन पश्चिम है अर्थात पश्चिम देशों में जो स्थित, जो डायरेक्शन उस विदेश के स्तर पर बता रहा हूं, जो विश्व परिदृश्य के सापेक्ष अगर आप फील करेंगे, मैप के माध्यम से देखेंगे, तो जो विश्व लेवल के तहत जो पश्चिमी देशे हैं, देशों की जो व्यवस्था है, कर्नाटक की बात करें, यूरोप की बात करें, फ्रांस, जर्मनी, इटली की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, वहां 30 जून से पहले रिलीफ नहीं मिलेगी। रीजन क्या है मित्रों? जब तक बृहस्पति और शनि की मकर राशि में युति रहेगी, गोचर व्यवस्था में वहां समस्या बनी रहेगी। मित्रों, जहां 14 अप्रैल से 25 अप्रैल की इस मध्यकाल में जहां सूर्य अपने प्रखर उच्च की राशि में विराजमान रहेंगे, वहां जो संक्रमण का रेट है उसमें कमी के रूप में आप उसको पाएंगे। मित्रों, 26 दिसंबर 2019 से जहां सूर्य ग्रहण की दुर्व्यवस्था का आगमन हुआ, पुनः इस वर्ष में, इस नए साल में 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण का होना लाजमी है। इस 21 जून में जो पहला सूर्य ग्रहण होगा वह भारत में दिखाई देगा। इसका तात्पर्य है कि यह सूर्य ग्रहण उच्च के राहु सूर्य चंद्रमा के युतिबद्ध इसकी निर्मिति हो रही है, वहीं उस विशेष मुहूर्त काल, उस अमावस्या की तिथि 21 जून 2020 को 6 ग्रह मंगल को छोड़ते हुए वक्री हो रहे हैं। इस त्रासदी में, इस जो ग्रहों की गोचरी व्यवस्था का जो अजीबोगरीब जो युति बन रही है, यह अच्छा नहीं है, इसका इंडिकेशन बेहतर नहीं है। अर्थात यह एक उच्च के राहु, जहां राहु अपने उच्चगत स्थिति में है, वही भारत की कुंडली के दूसरे भाव अर्थव्यवस्था और धन के भाव में सूर्य चंद्रमा और राहु की युति से जहां 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं, भारत को संभलना है, अपने पड़ोसी देशों के सापेक्ष अलर्ट रहने की आवश्यकता है।
वहीं विदेश स्तर पे जो पूरे विश्व के परिदृश्य में जो चार शक्तिशाली राष्ट्र हैं उसके सापेक्ष और चाइना का समीकरण बिगड़ता हुआ दिखाई देगा, एक युद्ध की नौबत की तरीके से इसे आप फील करेंगे। मित्रों, छोटी सी इस व्याख्यान के तहत मैं आपको बिल्कुल सांत्वना देने का प्रयास करता हूं। हमें इंतजार करना है 14 अप्रैल की तिथि का, जब सूर्य अपने उच्चगत राशि में विराजमान हो जाएंगे, क्रमशः 5 मई की उस तिथि का जब मंगल मकर राशि को छोड़ते हुए अगले कुंभ राशि में विराजमान हो जाएंगे। तत्पश्चात इस वर्ष कुंडली में जो संबत 2077 का जो वर्ष कुंडली के तहत जो इस वर्ष के राजा बुध हैं उनका भी आगमन 25 अप्रैल को सूर्य से युतिबद्ध हो जाएंगे। वह नीचगत राशि को छोड़ते हुए अगले मेष राशि में एंट्री कर जाएंगे। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत सितारे क्या कहते हैं, ग्रहों की चाल, ग्रहों की जो व्यवस्था है गोचर में, वह किस राशि से गुजर रहे हैं, किस नक्षत्र की पोजीशन से गुजर रहे हैं, किन ग्रहों की युति है, उसका तात्कालिक प्रभाव विषम या सम के रूप में कैसा पड़ता है, इस छोटी सी व्याख्यान के तहत ग्रहों की जो श्रृंखला बनी हुई है थोड़े समय का इंतजार की करने की आवश्यकता है। हम जीतेंगे, इस लॉकडाउन के प्रोसेस को सुंदर तरीके से हम इस्तेमाल में लाएं, अपने घर में ही अपने स्वयं को बंद रखें। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी प्रयागराज, नमस्कार।